कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहा बाजार के बारे में, जानेंगे आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोहा बाजार में, टीएमटी सूद में क्या कीमतें देखी जा रही हैं, किस तरह उतार चढ़ाव और ट्रेंड मार्केट में आज आप टीएमटी सूद में देख कर चल सकते हैं, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो टीएमटी सूद के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार इंगट में नहीं देखा गया। इंगट का लेवल 47,000 से भी नीचे जा चुका है, जिसको देखते हुए टीएमटी सूद में भी 60 रुपए पर किलोग्राम से नीचे के लेवल पर कारोबार देखा जा रहा है। कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए तो कीमतों में 200 छह एम टी एम टी का रेट 62.70 रुपए पर किलोग्राम है, 250 का 8 एम टी एम टी कीमतें 62.70 रुपए पर किलोग्राम देखी जा रही हैं, 310 एम टी एम टी का रेट बाजारों में 61.50 रुपए पर किलोग्राम चल रहा है, 412 एम टी एम टी कीमतें 59.10 रुपए पर किलोग्राम देखी गई हैं, 500 यानी 16 एम टी एम टी का रेट बाजारों में 60.30 रुपए पर किलोग्राम चल रहा है, 620 एम टी एम टी कीमतें 60.30 रुपए पर किलोग्राम है, और 800 यानी 25 एम टी एम टी का रेट बाजारों में आप 60.30 रुपए पर किलोग्राम देखकर चल सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड इस वक्त बाजारों में बेहद नेगेटिव चल रहा है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार नहीं देखा गया है। इंगट के मार्केट में जितनी गिरावट आई है उसको देखते हुए आने वाले समय में टीएमटी सूद के इस लेवल से यहाँ से और भी आपको गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर हैं अगर आप तो बाजारों में आपको 3 से 4 रुपए टीएमटी सूद यहाँ से थोड़ा सा महंगा इस रेट से मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।